Hello and welcome back to my channel or welcome to my channel Inspired with Anushka. Guys, how you all are doing? Hope you all are doing well. And guys, the number of cases of COVID-19 is also increasing. So be at home and study with the online things and use the digital medium to conversate or to interrogate with your teachers or with your colleagues, your friends. Be safe. Keep yourself safe and other people also safe. So guys, today we are going to discuss about the pumping organ, heart. From the previous couple of videos, we are discussing about the blood vessels in which we have distributed the blood vessels into the three different types, that is the arteries, veins and capillaries. And we have also gone through with the basic difference between the arteries and veins, which is a scoring mark question in the board examinations also. So in this today video, I'm going to briefly explain you about the heart, the pumping organ heart. जैसे ही हम लोग heart को pumping organ बोलते हैं, सबसे पहला point जो हमें heart के बारे में पता चलाता है वो यही है कि heart एक muscular pumping organ है. इसका काम है liquid को pump करना. और liquid हमारे बीच में body में है क्या? तो human body में वो liquid जो है वो है blood. Okay? So the blood को pump करना यही इस muscular heart का काम है. हार्ट की साइज की अगर हम बात करें तो हार्ट का जो साइज होता है वो एक क्लोज फिस्ट के साइज का है. इट मींस इतना ही साइज होता है, एक क्लोज फिस्ट बस. दिस इज द साइज ऑफ द हार्ट. और हार्ट का प्रेजेंस जो है चेस्ट कैविटी में है, थोड़े से लेफ्ट पे. इट मींस जो हमारा थोरैसिक कैविटी है उसमें लेफ्ट साइड में हार्ट लोकेटेड होता है, स्लाइटली लेफ्ट में. और एक डबल वॉल्ड जो होते हैं, थिन स्ट्रक्चर होता है, पेरिकार्डियम जिसको बोलते हैं, इससे ये प्रोटेक्टेड होता है. हार्ट जो है मस्कुलर ऑर्गन है, एक डबल लेयर्ड पेरिकार्डियम से प्रोटेक्टेड होता है. और इस पेरिकार्डियम के लेयर और हार्ट के लेयर के बीच में लिक्विड होता है, क्योंकि फ्रिक्शन जो होते हैं, जब भी हार्ट मूव करेगा और ये पेरिकार्डियम का वॉल, इट मीन्स बॉडी में जो भी थोड़ा सा मूवमेंट होता है, इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए ही पेरिकार्डियम होता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए. बिकॉज इट्स ये बहुत ही डेलिकेटेड ऑर्गन है, मस्कुलर है, क्योंकि कोई भी हार्ड चीज इसमें है नहीं. इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ बोन्स, सो दैट इट वुड बी मोर स्ट्रॉन्गर एंड कैपेबल इन प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ फ्रॉम द आउटर हर्डल्स. बट गाइस, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ही एक फ्लूइड फिल्ड होता है पेरिकार्डियम और हार्ट के बीच में, जो कि इन दोनों के बीच के फ्रिक्शन को बैलेंस करता है और हार्ट को प्रोटेक्टेड फॉर्म में रखता है. अदरवाइज थोड़ा सा भी अगर आप स्लाइटली भी किसी से टूट लग जाओ, फिर आप हिट कर जाओ, तो फिर हो सकता है कि आपका हार्ट उसी समय कोलैप्स हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ वेरी डेलिकेटेड ऑर्गन. गाइस, हार्ट जो है वो बहुत सारे मसल सेल्स से बना हुआ होता है, जिन्हें हम कहते हैं कार्डियक मसल फाइबर. यानी हार्ट को बनाने वाले जो मसल्स हैं, वो मसल्स हमारे बॉडी मसल्स से थोड़ी अलग होते हैं. स्पेशली इन्हें हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं. कार्डियो वर्ड, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता दूँ आपको, कभी भी कार्डियो वर्ड अगर किसी भी टर्म के साथ जुड़ा हुआ हो, किसी भी मेडिसिन के साथ जुड़ा हुआ, किसी भी सर्जरी के थिंग्स, या फिर कोई भी लॉजी हो, लोगस हो, स्टेटस स्टडी किसी भी चीज़ की हो रही हो, उसमें अगर कार्डियो वर्ड इंक्लूड है, इट मीन्स आप समझ जाना कि वो हार्ट से रिलेटेड चीज़ है. ओके, न्यूरो है तो फिर वो ब्रेन से रिलेटेड है, डर्मो है तो वो स्किन से रिलेटेड है, ट्यूरो है तो फिर लंग से रिलेटेड है. ओके, ये था उस साइड से बेसिक चीज़ जो पता होना चाहिए आपको अगर आप बायो पढ़ रहे हैं. तो फिर ये नॉर्मल चीज़ें आप जान सकते हो कि ये सारे वर्ड्स अगर जुड़े हुए हो तो किसी खास ऑर्गन के लिए कोई खास वर्ड दिया गया. जैसे हार्ट के लिए हमेशा कार्डियो यूज होता है, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं हार्ट स्पेशलिस्ट को, और कार्डियक साइकिल बोलते हैं वो जो भी ब्लड का फ्लो होता है उसको. बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनको कार्डियो से लेकर रिलेट किया गया है. तो ये सारे टर्म्स, कार्डियो वर्ड किस लिए यूज़ होता है, जब भी हार्ट के बारे में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं तो फिर कार्डियो वर्ड का यूज़ होता है. जो है वो बना हुआ होता है फोर चैम्बर्स से, जिसमें आते हैं राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, फिर नीचे आते हैं ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, सो हार्ट का जो लेफ्ट पार्ट होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है. इट मीन्स उस ब्लड में डिसॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन की मात्रा और फूड मटेरियल्स की मात्रा ज़्यादा होगी. और जो हमारा राइट पार्ट है हार्ट का, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी ऑन करता है, जिसमें कि कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होगा. इसलिए गाइस बोला जाता है हमेशा स्लीपिंग टाइम में हमें लेफ्ट के टुवर्ड्स साइड करके सोना चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन स्मूथली आपके बॉडी में हो सके स्लीपिंग टाइम में. जो ये
लेफ्ट और राइट पार्ट है हार्ट के डिवाइडेड, वो हमेशा सेपरेटेड होते हैं, इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है। और जबकि दोनों जो पार्ट हैं जिनको दो पार्ट में डिवाइड किया और फिर इस तरह हमने फोर पार्ट में डिवाइड किया, तो ये जो दोनों पार्ट थे इनके बीच में तो कम्युनिकेशन नहीं हुआ। और ये ऐसे जो भी हैं इनमें भी कम्युनिकेशन नहीं होता, इनमें कम्युनिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। अब इनका प्रेजेंस कहाँ होता है, कौन से वाल्व किस साइड में होते हैं, ये मैं आपको बता दूँ। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, ऑडियो वेंट्रिक्यूलर एपर्चर होता है जो कि गार्डेड होता है कौन से वाल्व से, तो ट्राइकस्पिड वाल्व। ओके, राइट साइड का जो ऑडिकल है और वेंट्रिकल है वो हमेशा किस भाग से गार्डेड होता है, तो वो है ट्राइकस्पिड वाल्व, कभी भी भूलिएगा मत। और जो लेफ्ट साइड का हमारा ऑडिकल और वेंट्रिकल है वो बाइकस्पिड वाल्व से गार्डेड होता है और प्रोटेक्टेड होता है वी कैन से दैट, क्योंकि वाल्व्स हमेशा ब्लड मिक्स नहीं हो, एक से दूसरे में नहीं चले जाए, बैक फ्लो को रोकने का काम करता है। हमने देखा था वेंस में भी पढ़ा था हमने कि वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं जगह जगह पे ताकि ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट कर सके। ओके, आर्टरीज और वेंस में हमेशा ब्लड क्या होंगे, आर्टरीज से वेंस में फ्लो होते हैं, बट वेंस से आर्टरीज में ब्लड का फ्लो कभी भी नहीं होता है। वेंस से आर्टरीज में फ्लो होना बैक फ्लो हो जाएगा, और आर्टरीज से वेंस में आना नॉर्मल फ्लो है, जिसके लिए कि गार्डिंग का काम करते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। तो ये था बेसिक इलैबोरेट फॉर्म में सिर्फ हार्ट का इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में हम लोग देखेंगे हार्ट बीट के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में, और किस तरह से जो है सर्कुलेशन ब्लड का हार्ट के अंदर होता है, कैसे कैसे डबल सर्कुलेशंस होते हैं, या फिर सर्कुलेशन किस टाइप का है, ये पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। विद दिस वी कैन टू एन एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो। एंड गाइस इफ यू लाइक इट देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन, पुट मी इन द कमेंट सेक्शन यू लाइक दिस वीडियो और नॉट, एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस फॉर मी देन ऑल्सो यू कैन रिकमेंड मी। एंड गाइज थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद मी, थैंक्स गाइज।